हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस विद क्वेश्चन नंबर वन। सो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अभी अभी सेलिब्रेट किया गया था ऑन 21 जून विद ग्रेट एंथुसियाज्म अक्रॉस द कंट्री थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द योगा एंड इनिशिएटिव्स टेकन इन द व्यू टू एम्पावर इट। ओके, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑलराइट, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। सो रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून व्हिच वाज द 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 2015। दिस ईयर्स थीम वाज योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स। ओके, एंड जो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष व्हिच इज हेडेड बाय श्रीपद येसो नायक। हिज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इज नॉर्थ गोवा। ऑलराइट, सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अक्रॉस द कंट्री। ओके, एंड इंडिया इज सिंस इज अ फाउंडर ऑफ मेंबर, सो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो योगा इज एन एशियन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, एंड दिस वर्ड योगा इट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत व्हिच मींस टू यूनाइट बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। हमारी बॉडी और हमारे कॉन्शियसनेस को यूनाइट करना ही मतलब है किसका, योगा का। द आइडिया ऑफ योगा डे वॉज प्रपोज बाय इंडिया ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ 69th सेशन ऑफ द UNGA हेल्ड इन 2014, एंड द UN प्रोक्लेम्ड 21 जून एज IDY, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन दिसंबर 2014। ऑलराइट, एंड द फर्स्ट योगा डे सेलिब्रेशन इन 2015 एट राजपथ क्रिएटेड टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। जो पहली बार योगा डे सेलिब्रेशन हुआ था राजपथ पे, उसमें दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। एक तो ये था कि दैट इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट योगा सेशन विद 35,985 पीपल पार्टिसिपेटेड इन दैट, एंड देयर वर 84 नेशनलिटीज पार्टिसिपेटेड इन दैट इवेंट। ऑलराइट, 84 देशों से लोग वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे। यूनिसेफ किड पावर हैज लिस्टेड 13 योगा स्ट्रेचेज एंड पोजेस फॉर चिल्ड्रन। एंड व्हाट इज दिस यूनिसेफ किड पावर? इट इज अ प्रोग्राम ऑफ यूनिसेफ USA through which students realize their everyday activity like moving and learning which can make real world impact. Okay, so UNICEF Kid Power basically एक UNICEF का program है जिससे कि students अपने daily everyday जो activity है moving learning उसको realize कर सकते हैं। Alright, now what was the initiatives taken by India this year Yoga Day? So Ministry of Ayush organized an event which is named as My Life My Yoga video blogging contest for raising awareness about yoga. Ministry of HRD headed by Ramesh Pokhariyal Nishank launched an online yoga quiz competition that was organized by NCERT, and it will remain open from 21st June to 20th July 2020. Ministry of Culture is celebrating International Day Yoga Day by organizing a campaign Namaste Yoga from 21st June 2020. Ministry of Tourism organizes 33rd webinar titled योगा एंड वेलनेस एंड ऑफरिंग फॉर चैलेंजिंग टाइम्स अंडर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के बारे में। सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द फर्स्ट वेबिनार सीरीज दैट वॉज ऑर्गेनाइज अंडर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज? राइट डाउन इन कमेंट्स। जो सबसे पहला वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज, उसका नाम आपको कमेंट में लिखना है। Ministry of Skill Development and Entrepreneurship organized a webinar with the theme Say Yes to Yoga and No to Rogue to educate people about benefits of yoga along with various career opportunities available in the field of yoga for youth. All right. And other than this, NCERT has developed textual materials on yoga for healthy living for upper primary to secondary stages and also been organizing Yoga Olympiad since 2016. The Beauty and Wellness Sector Skill Council has vocational education courses in yoga for CBSE schools. Over 96,000 candidates have been trained as yoga instructors and trainers under Skill India mission launched by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. And yoga is also a part of the Fit India movement. All right. So now let's move on to the question. This was about the International Yoga Day and jobi initiatives liye gaye hain by the government. We have to find which of the following is not correct with respect to the yoga initiative taken. So option A is the theme for the year 2020 is yoga for health, yoga at home. Yes, this is absolutely correct. The UN proclaimed 21st June as IDY by passing a resolution in December 2015. No,
This resolution was passed, it passed in December 2014. So this must be our correct answer because this statement is incorrect. So option B, guys, is the correct answer. Now let's move on to question number 2. KVIC starts reviving ancient glory of Pokhran potteries, seeking to restore the lost glory of the once most famous pottery of Pokhran. Which of the following is not correct about the steps taken by KVIC towards this objective? Alright, so KVIC ने जो है पोखरण की पोट्रीज की जो एशियन ग्लोरी है उसको रिवाइव करना स्टार्ट किया है ताकि जो उसकी लॉस्ट ग्लोरी है उसको रिवाइव किया जा सके और हमें बताना है कि उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ओके, सो नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस. सो रिसेंटली केवीआईसी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विपमेंट्स टू द पॉटर्स ऑफ पोखरण विच इज इन राजस्थान विच हैज अ रिच हेरिटेज इन टेराकोटा प्रोडक्ट्स. टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ अर्थनवेयर, मिट्टी का बर्तन होता है ये एक. KVIC starts reviving ancient glory of Pokhran pottery to restore the lost glory of the once most famous pottery of Pokhran. क्योंकि वो जो पोखरण की पॉटरी है वो एक समय काफी ज्यादा फेमस थी तो उसको रिवाइव करने के लिए ही ये स्टेप लिए जा रहे हैं. Now 80 electric potter's wheels to 80 potter families has been distributed and 8 blunder machines in a group of 10 potters used for mixing the clay which can produce 800 kg clay in just 8 hours. Okay, and other than this, KVIC has created 350 direct employment in the village and all these 80 potters were given 15 days training by KVIC. Guys, KVIC, it is headquartered in Mumbai and it is headed by Vinay Kumar Saxena. Okay, remember this, Vinay Kumar Saxena. Okay, and these potters brilliantly depicted the Swachh Bharat Abhiyan and International Yoga Day through their pottery art. Alright, and now we have already discussed in one of our session about Kumar Sashaktikaran Yojana, whose main objective is to bring back the potters community to the mainstream by providing potters with modern equipment and training. Now, what was the need of the move? Is move ki kya zarurat thi? So guys, zarurat ye thi that Pokhran has over 300 potters family that are engaged with potter for several decades, but potters started looking for other avenues due to heavy drudgery in the work and no market support. Alright, kyunki जो पॉटरी का जो वर्क है वो काफी ज्यादा डाउन होता जा रहा है, कोई मार्केट सपोर्ट नहीं है, कोई अच्छा सा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द मार्केट. सो दिस वजह से जो वो पॉटर्स हैं वो कोई और ऑप्शंस तलाशने लग गए थे फॉर देयर लाइवलीहुड. इट इज इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंस. इट इज फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉटर्स एम्ड एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इट इज ऑल्सो फॉर रिवाइविंग द डाइंग आर्ट ऑफ पॉटरी एंड इट इज वन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विच इज पोखरण आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग. ऑलराइट, सो दिस वर्थ सम नीड ऑफ द मूव, क्या इस मूव को लाने की क्या क्या नीड थी. ओके, नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. ऑलराइट, सो स्टेटमेंट वन इज KVIC डिस्ट्रीब्यूटेड 80 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स टू 80 पॉटर फैमिलीज इन पोखरण. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. KVIC हैज क्रिएटेड 350 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो हमारा जो आंसर है वो ओनली 3 होना चाहिए. अंडर कुमार सशक्तिकरण योजना नीडेड पॉटर्स आर प्रोवाइडेड रुपीज 5000. नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, 5000 रुपीज नहीं दिए जाते. सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन सी, ओनली 3. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड फॉर दैट सम इंफॉर्मेशन इज गिवन. एज वी स्ट्राइव टू मेक इंडिया स्पोर्टिंग सुपर पावर, वन ऑफ द थिंग्स वी हैव टू इंश्योर इज दैट स्पोर्ट्स बिकम अ वायबल करियर ऑप्शन फॉर यंगस्टर्स. Only when sports can offer a sustained means of livelihood to athletes, even after they stop playing competitive sports, parents will be motivated to allow their children to take up sports as a serious career option. Right? And now the question is, in the wake of this objective, Ministry of Sports decided to open 1000 district level Khelo India centers, or in short, we can say KIC. With the respect of this move, which statement is our correct? Kaun sa statement correct hai? Ya kaun sa statements correct hai? Okay. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं. सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स विच इज हेडेड बाय मिस्टर किरण रिजिजू हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अक्रॉस द कंट्री विद द हेल्प ऑफ स्पोर्टिंग चैंपियंस. दीज सेंटर्स विल आइदर बी रन बाय अ पास्ट चैंपियन और हैव देम एज कोचेस. इन सेंटर्स को या तो कोई पास्ट चैंपियन रन करेगा या फिर वही पास्ट चैंपियन जो है कोचेज रखे जाएंगे. This has twin objectives of strengthening grassroots level training of athletes and to ensure a sustained source of income for past sporting champion. Okay. Now, what is the mechanism used in this? So, a shortlisting mechanism has been put in place to identify past champions who are eligible to either establish their own academy or work as a coach in a KIC. Organizations which have been promoting sports for at least 5 years. Aise organizations jo pichle 5 saal se
कम से कम 5 साल से किसी भी स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल होंगे टू एस्टैब्लिश अ केआईसी प्रोवाइडेड दे रिक्रूट पास्ट चैंपियंस एज कोचेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन जेएनके लद्दाख दमन एंड दीव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस 5 ईयर रूल. ये जो 5 साल का रूल है वहां इन स्टेट्स में और यूटीज में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको इन 5 साल के रूल से एग्जेम्पशन मिला हुआ है. ओके, नाउ व्हाट आर द कंसीडर्ड कैटेगरी ऑफ सिलेक्शन. सो अंडर द फर्स्ट कैटेगरी दोज पर्सन विल कम हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस अंडर अ रिकॉग्नाइज्ड एनएसएफ और एसोसिएशन. एनएसएफ का मतलब है नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन. सेकेंड कैटेगरी फॉर मेडल विनर्स इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड एनएसएफ और अ मेडल विनर एट खेलो इंडिया गेम्स. थर्ड कैटेगरी में हु हैव वन मेडल्स इन द नेशनल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. इन फोर्थ कैटेगरी इज फॉर दोज हु हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट इन अ सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड एनएसएफ और पार्टिसिपेटेड इन खेलो इंडिया गेम्स. एंड देर आर सम एक्सेप्शनल कैटेगरीज इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडमान एंड निकोबार एंड लद्दाख देर कोचेज ट्रेन विद एनआईएस सर्टिफिकेशन विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई. राइट, एंड द ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड एट केआईसी फॉर 14 स्पोर्ट्स. ये इनके नाम है, यू मस्ट नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द 14 स्पोर्ट्स, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो 14 स्पोर्ट्स हैं टोटल 14 स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी एट खेलो इंडिया सेंटर्स. ओके, सो नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो स्टेटमेंट वन इज कोचेज ऑफ ऑल स्टेट्स ट्रेन विद एनआईएस सर्टिफिकेशन विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई. नो, दिस इज फॉर सम एक्सेप्शन स्टेट्स. ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इन जेएनके सिंस एटलीस्ट 5 ईयर्स आर एलिजिबल टू एस्टैब्लिश अ केआईसी. नहीं, कुछ स्टेट्स के लिए और यूटीज के लिए ये 5 ईयर्स का जो एग्जेम्पशन है वो मिला हुआ है. पास्ट चैंपियंस हु हैव वन मेडल्स इन द नेशनल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आर ऑल्सो एलिजिबल. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो विच मीन्स आर करेक्ट आंसर विल बी वॉट गाइज, ऑप्शन सी, ओनली 3. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. द पंजाब गवर्नमेंट लास्ट वीक कंस्टिट्यूटेड अ 3-week सिविल सर्विसेज बोर्ड टू डिसाइड ऑन आईएएस ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन द स्टेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बोर्ड. सो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक 3-member सिविल सर्विस बोर्ड बनाया है टू डिसाइड ऑन आईएएस ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग. सो हमें बताना है कि इनमें से क्या उस बोर्ड का ऑब्जेक्टिव नहीं है. सो दिस द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेटअप दिस बोर्ड टू प्रोवाइड अ फिक्स्ड 2-year tenure टू एन आईएएस ऑफिसर एट अ पोस्टिंग. Any decision to cut short the term will be examined by the board. And Punjab is the 20th such state to adopt the Civil Services Board. Okay. Now it has been done because the officials having a fixed tenure will be able to provide better administration. They'll also feel safe and try to stick to the rules instead of pleasing their political bosses. Every official requires 3 to 6 months to get into the groove at his new place of posting. हर official को 3 से 6 महीने चाहिए होते हैं ताकि वो अपने नए जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहां पे अपने कदम जमा सके. इफ ही स्टेज देयर फॉर 2 ईयर्स इट वुड मीन बेटर डिलीवरी एंड स्टेबल टेन्योर टू पीपल. फ्रीक्वेंट एंड आर्बिट्री ट्रांसफर्स ऑफ ऑफिसर बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ रीजनेबल टेन्योर ऑन एनी पोस्ट हैव ऑलवेज बीन कंसीडर्ड एज अ मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स का बहुत बड़ा कारण माना जाता है फ्रीक्वेंट एंड आर्बिट्री ट्रांसफर्स. राइट, नाउ दिस सिविल सर्विस बोर्ड Civil Services Board was established to insulate the bureaucracy from political interference and to put an end to frequent transfers of civil servants by political bosses. The Supreme Court had in 2013 directed the center and the states to set up a Civil Services Board to consider transfers and postings of bureaucrats among others. All right, and as per rules, all states should have a Civil Services Board to decide on transfers and postings of the bureaucrats. Now, ye jo board hai iske composition mein, it will be headed by Chief Secretary of the state. एंड सीनियर मोस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फाइनेंशियल कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक एंड स्टेटस एज मेंबर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इन द स्टेट गवर्नमेंट एज मेंबर सेक्रेटरी. ऑलराइट, सो दिस इज द कंपोजिशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बोर्ड. सो मेक ऑफिशियल्स फील सेफ एंड ट्राई टू स्टिक टू द रूल्स. यस, करेक्ट. With fixed official tenure, officials will be able to provide better administration. Yes, the officer may overstep the authority and jurisdiction of the state government. No, this is incorrect. So therefore, guys, the correct answer will be what? Option C. All right, option C is not the objective of this board. Now, question number 5. Which of the following is not correct with respect to the loan approved by AIIB and ADB to India to strengthen the country's battle against the adverse impact of COVID-19 pandemic. जो भी लोन अप्रूव किया गया है by AIIB
एंड एडीबी टू इंडिया टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज बैटल अगेंस्ट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ कोविड-19. उसके बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ओके, सो रिसेंटली AIIB विच इज हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग एंड इट इज हेडेड बाय जिन लीकन इज द प्रेसिडेंट ऑफ AIIB. इट हैज अप्रूव्ड अ $750 million लोन टू इंडिया टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज बैटल अगेंस्ट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ कोविड-19. Earlier, it had approved $500 million for COVID-19 emergency response and health system preparedness projects initiated by India. And this current loan will be second for India under AIIB's COVID-19 crisis recovery facility. इससे पहले $500 million का लोन मिल चुका है और अब ये दूसरा है $750 million का. And this loan has been given to ensure economic resilience to prevent long-term damage to productive capacity, including human capital. जो भी long-term damage आया है टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ड्यू टू कोविड-19 उसको सही करने के लिए ये लोन दिया जाएगा. एंड इट इज को फाइनेंस बाय द AIIB एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक. ये जो लोन है टोटल $750 million का, इसको को फाइनेंस किया जाएगा बाय AIIB एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक. एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मलिंदा. नाउ कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ADB? मैंने आपको पहले भी बताया था, सो राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ADB इन द कॉमेंट्स. The support will go towards bolstering economic aid for businesses, including the informal sector, expanding social safety nets for the needy, and strengthening the country's healthcare systems. And it has ensured Indian government of $2.2 billion support to fight against the COVID-19 pandemic. ये ADB की बात हो रही है. And earlier it had provided a loan of $1.5 billion to India. तो ADB और AIIB दोनों ने काफी लोन दिया है इंडिया को ताकि COVID-19 से भारत जो है लड़ सके. Now we have to find the incorrect statement. So option A is ADB assured Indian government of $2.2 billion support. Yes, absolutely correct. AB had provided a $1.5 billion loan to India. Yes. AIIB has approved a $750 million loan to India in June. Absolutely correct. Earlier AIIB had approved $500 million for COVID-19 emergency response. Yes, this is also correct. So हमारा जो answer है वो E होना चाहिए. So correct answer is what, guys? ऑप्शन ई, दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री. ये लोन गाइस इंटरेस्ट फ्री नहीं होते. हाँ, इनका टेन्योर बहुत ज्यादा लंबा होता है और बहुत कम इंटरेस्ट इन पे होता है, बट दे आर नॉट इंटरेस्ट फ्री. ऑलराइट, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ई. ओके, सो दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे. आई होप यू लाइक इट. एंड गाइज आई अपोलोजाइज क्योंकि आज मेरे को बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, जिसकी वजह से सेशन में बीच में भी काफी कफ आया. आई एम सॉरी फॉर दैट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.